नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 21 अप्रैल 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूँ तो सामान्यता जाएगा, जैसे चल रहा है परिस्थितियों को चलने दीजिए। प्रोफेशनली कुछ ना कुछ आप अपने लिए नया कोई अवसर क्रिएट कर पाएंगे। कोई व्यक्ति विशेष आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना संकेत इंफॉर्मेशन देकर जा सकता है, जो प्रोफेशनली आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है परिस्थिति। साथ ही साथ लंबे समय से जो लोग स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, एब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे, अब वो परिस्थितियां आपके लिए आगे बढ़नी होती हुई आपको नजर आएंगी। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स को आप फाइनेंशियली अगर इंप्रूवमेंट के दायरे में देखूं तो आज के दिन आप टेकअप बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं खास तौर से सेकंड हाफ के दौरान आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। डॉक्टरी परीक्षण या निरीक्षण कराने की अगर आपको जरूरत लगती है तो इसको आप पेंडिंग टास्क में ना डालें। समय रहते डॉक्टरी परीक्षण या सलाह लेने आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज के दिन आपको ओवर थिंकिंग से भी कई ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र की अगर स्थिरता की बात करूं तो सोच के समझ के चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करके आगे चलें, जिससे कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहें। कुल मिलाकर नकारात्मक परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना ही एक बेटर ऑप्शन है, और तत्काल रूप से अपने आप को उन परिस्थितियों से डिटैच कर लीजिए जो आपको मेंटल टेंशन देकर जाते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, मन आपका शांत रहेगा, परिस्थितियां फेवरेबल रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, सामाजिक साख प्रतिष्ठा में आपका इजाफा होता हुआ नजर आएगा। आप प्रोफेशनली काफी ज्यादा आप अपने आप को इवॉल्व समझेंगे, काफी ज्यादा एक्सपर्टीज भी आप ग्रहण कर पाएंगे। लंबे समय से चल रहा कोई भी पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ उसमें कोई एक नया मोड़ आएगा जो आपकी परिस्थिति को और ज्यादा प्रभावशाली बनाकर जा सकता है। साथ ही साथ आज के दिन पार्टनरशिप्स में, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या फाइनेंशियल या बिजनेस पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह की पार्टनरशिप में आपको आज के दिन पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। सिचुएशंस, परिस्थिति, विचारधाराएं सब कुछ पॉजिटिव हैं आपके लिए, परिस्थितियां पॉजिटिव होकर चल रही हैं। बीच बीच में ऑन एंड ऑफ रूप से जो आपको मेंटल स्ट्रेस होता था वो भी अब आपने काफी ज्यादा बैलेंस आउट कर लिया है। कुल मिला के समय अच्छा है नए प्रयत्नों को करने का, नए प्रयासों को कारगर करने का, नए विचारों को लागू करने का काफी अच्छा समय चल रहा है। इन टोटैलिटी अगर मैं देखूं तो नई परिस्थितियां आपके लिए आज के दिन से स्टार्ट होती हैं। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पर काम करने के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। प्रॉपर्टी संबंधित निवेश करने से पहले सिंह राशि वालों सारे एस्पेक्ट को सोच के समझ के तथ्यों को विचार करने के बाद ही आगे बढ़ें, जिससे कि आपकी परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ सके। नकारात्मकता आपको सता सकती है, खासतौर पे अगर आप कार्य क्षेत्र में किसी पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो शब्दों का चयन आपको सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती या छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए आज के दिन बड़ी टेंशन का सबब लेकर आ सकती है। खासतौर पर प्रोफेशनली आपकी इमेज पे नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो सोच के समझ के शब्दों का प्रयोग करके आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आप सभी उन चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को उठा पाएंगे जो लंबे समय से आप प्लान तो कर रहे थे लेकिन उसमें आप तेजी या गति नहीं ला पा रहे थे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। इमोशनली आप काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे कन्या राशि वालों। काफी लंबे समय के बाद ये परिस्थिति आपके लिए जीवन में आई है जहां पर आपके सभी प्रोजेक्ट्स कारगर हो रहे हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, पॉजिटिविटी एम्ब्रेस कर पा रहे हैं आप। साथ ही साथ अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, आर्थिक स्थिरता लाने की सोच रहे हैं, टैक्टफुली कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी सिचुएशन या अवसर लेकर आ जाएंगी। कुल मिला के आज के दिन से अनदर 10 to 15 days आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, अगर आप प्लानिंग टैक्टफुली और स्ट्रेटेजिकली लेकर आगे बढ़े तो। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। समय आपका साथ देता हुआ चला रहेगा तुला राशि वालों। कुछ खास टेंशन आज के दिन आपको प्रोफेशनली पर्सनली देखने को नहीं मिलेगी। बोथ एस्पेक्ट्स आपके बैलेंस रहेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहेगा, मन शांत रहेगा, परिस्थितियां काबू में रहेंगी। कंट्रोलिंग एस्पेक्ट में या प्रभावशाली जोन में, कार्यक्षेत्र में भी आप अपने आप को पाएंगे। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक जो एक तनाव है या लगाव की सिचुएशन अगर आ रही थी तो वो परिस्थितियां भी अब आपके फेवर में आनी शुरू होंगी। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अगर आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट चल रहे थे, एंग्जाइटी परिवार के किसी सदस्य की तरफ से हो रही थी, तो अब वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मोड पे आती हुई नजर आएगी। कुल मिला के आपकी मेंटल टेंशन्स आज के दिन रिलीव हो सकती हैं अगर आप टैक्टफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंटर हों तो। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, सिचुएशंस, परिस्थिति, विचारधाराएं सब कुछ आपके लिए प्रबलतम शिखर पर चल रही हैं।
नया काम टेकअप कर सकते हैं नौकरी चेंज करने के लिए जो लोग इच्छुक हैं, वहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। परिस्थितियां पॉजिटिव रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा। विचाराधीन अगर कुछ मामले आपके कोर्ट में चल रहे थे, कुछ पेंडिंग लंबित मैटर्स चल रहे थे, वहां पर आपके लिए विक्ट्री इंडिकेटेड है। कुल मिला के समय अच्छा है, परिस्थितियां आपके फेवरेबल हैं। थोड़ा सा अगर आप सोच के समझ के कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपको अपनी सारी चीजों में पॉजिटिविटी देखने को मिलती रहेगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, सर्वोत्तम परिस्थिति, सर्वोत्तम समय, सर्वोत्तम सिचुएशंस आपके लिए आ रही हैं। प्रोफेशनली खास तौर पे काफी ज्यादा अच्छा समय आ रहा है। लंबे समय से चल रहा, अगर आप कोई प्लान आउट कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट, कोई टास्क, कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, भले ही वो घर चेंज करने से संबंध क्यों ना रखें, वो अब सिचुएशन परिस्थिति आपके लिए सर्वोत्तम ऑप्शन लेकर सामने आएगी। और अगर आप उसको मैटर को टेकअप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। गतिशील तरीके से आपके फाइनेंसेस भी रेवेन्यू जनरेशन के मोड की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के बिजनेस भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी आज के दिन से साबित होना शुरू हो जाएगा, जिसके इंडिकेशंस आपको बहुत एक सुनहरे अवसर के रूप में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, कामकाज में अगर रुकावट आ रही थी, बहुत समय से टेंशन में चल रहे थे, तो अब थोड़ी सी उसमें गति आनी शुरू होगी। परिस्थितियां पॉजिटिव रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा। हालांकि आप अपने आप में ही रह सकते हैं, लोगों से थोड़ा सा डिटैच स्टेट मेंटेन करके रहेंगे, लेकिन एट पीस रहेंगे तो वो परिस्थिति आपके लिए काफी ज्यादा कारगर है। लंबे समय से चल रही बीमारी से भी आप निजात आपको मिलने वाली है, और पारिवारिक किसी सदस्य की वजह से अगर आप तनाव में चल रहे थे तो उनके साथ भी अब संबंध अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के कार्य क्षेत्र में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। सोच के समझ के आगे बढ़ें, जल्दबाजी फाइनेंशियल मैटर्स में ना करें तो आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए गतिशील तरीके से उन सभी चीजों को टेकअप करने का है जो परिस्थितियां आपके सामने स्वाभाविक रूप से आ रही हैं। अपने आप को ज्यादा फोर्सफुल सिचुएशन में ना डालें, अपने ऊपर ज्यादा लोड ना लें, ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी को या स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखते हुए, कई महत्वपूर्ण तथ्यों को विचार करते हुए अगर आप आज के दिन कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, कुल मिला के सामान्यता परिस्थिति चलेगी, कुछ खास उतार चढ़ाव चीजों में देखने को आज के दिन नहीं मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। परिस्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है, मन आपका शांत रहेगा, स्पिरिचुअली काफी ज्यादा एलिवेटेड रहेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नए फाइनेंशियल मैटर्स को भी आप टेकअप कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी। कुल मिला के अच्छा समय है अच्छी चीजों को एम्ब्रेस करने का। आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आपके लुक्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कोई ना कोई परिस्थिति आपके लिए चेंज लाएगी, और ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज भले ही आपकी पर्सनालिटी में क्यों ना हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफी ज्यादा इजाफा देकर जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक विवाद भी अब सुलझता हुआ नजर आएगा। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आ रही कोई महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए परिस्थितियों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाकर जा सकती है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।